गाइज आप देख सकते हो इनको, अभी आप देख रहे हो ना पीछे, रात के बज रहे हैं 12:30 और ये ऑफिस से आने के बाद गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं। गेम खेल रहा। ओ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना फेस नहीं दिखा रही क्योंकि मैं कर रही हूँ ब्रश और ये करेंगे आज वीडियो स्टार्ट। तो वेलकम गाइस टू आवर चैनल, गुड मॉर्निंग, और हमारे चैनल रिचार्ज एवं शुभ लग में आपका स्वागत है। तो आज का सुबह हो चुका है और हम बेड से उठ चुके हैं, बेड लेकिन फिर भी ओ और हाँ, और क्या क्या काम किए, काम कर भी रही थी, अभी ब्रश कर रही है, अभी वो ब्रेकफास्ट बनाएगी, तब तक हम नहा कर रेडी होकर पूजा करेंगे और ऑफिस जाना आपको आज, ये भी पूजा करेगी बाद में। हाँ मैं शाम को करूँगी गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलो, ऑफिस जाना आपको? यस, आज ऑफिस जाना है। फ्राइडे को भी जा रहे हो? आज फ्राइडे है? नहीं मैं पूछ रही हूँ, आज कौन सा दिन है? आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को भी जाना है, अभी तो गए थे एक दिन, 3 दिन कम्प्लीट करना है। ओके ओ गाइस, अभी एक ये न्यूज़ बता रहे थे मेरे हस्बैंड, दिन रात न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड ऑल द टाइम। बोलो, गुड बट नॉट ऑल द टाइम ना, आप ऑल द टाइम ही न्यूज़ पढ़ते हो। न्यूज़ देखते हैं ताकि हम रियलिटी से जुड़े रहें, तुम नहीं देखते, तुम नहीं जुड़े रहते। मैं भी देखती हूँ बट आपकी तरह मतलब कंटिन्यूसली नहीं पढ़ती रहती हूँ। ये सुबह उठते हैं गाइस, न्यूज़ पढ़ते हैं, रात को सोते हैं, गेम खेल के सोते हैं, इनका फोन है ऑफिस के बाद या फोन में काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इन शॉर्ट्स आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ मतलब कि पूरा न्यूज़ उसमें नहीं रहता है, बस न्यूज़ का एक पैराग्राफ 60 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया रहता है और सारा लेटेस्ट रहता है ना, क्लिप्स मिल जाएगा कि न्यूज़ में क्या है और क्या बताया गया है। तो आज का न्यूज़ क्या था बताना, उसको डिटेल में पढ़ना तो भी वो डिटेल में आप खोल सकते हैं। आज का न्यूज़ नहीं था, वो कल का परसों का न्यूज़ था। क्या था बताओ सबको। तो कोई लड़का था कहीं पर जिसने आईफोन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट में आईफोन ऑर्डर 20 साल का लड़का था वो, जिसने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया और उसके बाद फिर वो डिलीवरी बॉय को बोला कि ठीक है हम पैसा लेके आ रहे हैं अंदर से, फिर वो क्या उसको समझ में आया क्या नहीं आया, उसको मार दिया, मतलब कि पैसा नहीं था उसके पास, उसको उसने मार दिया चाकू से। और फिर उसको कुछ दिन रखने के बाद घर पे ही सारा, कुछ दिन लाश रखने के बाद उसको फिर जला दिया पेट्रोल लेकर। ओह माय गॉड, तो स्कूटी से उसको लेके जा रहा था, तो स्कूटी जब लेके जा रहा था तो फिर वो किसी सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया कि हाँ ये लेके जा रहा करके। तो वो स्कूटी में वो रैप नहीं करके जा रहा था, रैप करके जा रहा था, बोरे में डाल के ले जा रहा था, फिर भी बॉडी बॉडी है ना, और लेके जा रहा था पूरा, फिर पेट्रोल खरीद के ले गया उसको, ले आया जला दिया। तो ये सब चीज़ बाद में पता चला, पुलिस ने फिर जैसे पता चला उसको पकड़ दिया। तो यहाँ पर दो चीज़ है कि आईफोन का क्रेज़ आजकल के यूथ में इतना ज़्यादा है, और आईफोन नहीं एक्चुअली बोलेंगे शो ऑफ करने का क्रेज़ इतना ज़्यादा है, जो कि मैडम को भी समझाते हैं लेकिन मैडम को समझ मुझे आईफोन का क्रेज नहीं है, ठीक है, फिर भी बहुत तरह का क्रेज़। जैसा कि बोल रहे थे कि आजकल का इंस्टाग्राम यूथ को देख के, और मतलब कि उनको शो ऑफ करने का इतना ज़्यादा ये हो गया कि वो लड़का आईफोन सेकेंड हैंड ऑर्डर करा था, उसके पास पैसा नहीं था। और हम भी अभी मतलब कि फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन शुरुआती दरों में जैसे हम लोग फ़ोन लेते थे तो जितना हमारे मतलब कि पैसा रहता था उस हिसाब से फिर हम लोग फ़ोन ऑर्डर करते थे। तो शो ऑफ का क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को बीच की नहीं आईफोन चाहिए तो आईफोन चाहिए वो शो ऑफ करना, और फ़ोन का अगर काम जहाँ तक हम देखें तो बस कॉल करना मेन होता है, उसके अलावा आईफोन अगर आप बोल रहे हैं तो वो एक तरह से आपका नीड नहीं पूरा, मतलब कि नीड पूरा करता है लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल की तरह आता है। तो वही इसको भी समझाते हैं, देखो इधर बताओ मुझे गाइस, मैं सच बताऊं मुझे आईफोन का कोई क्रेज नहीं है। हाँ लेकिन उसके अलावा बहुत तरह का क्रेज है उसका, जितना भी शो ऑफ करने का कपड़ा होगा, दस तरह का अभी अपना अलमीरा खोल के दिखाओ ना अलमीरा में दो जन का कपड़ा अटने का जगह है इसके अलमीरा में, लेकिन इसका पूरा कपड़ा पूरा पूरा भरा हुआ है, ऊपर से एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब जगह जितना है उससे भी मतलब उसमें नहीं हो रहा है इसका इतना कपड़ा, ओल्ड नहीं हुआ है, इनको एक बार पहनने के बाद वो ओल्ड हो जाता है, ऐसा होता है लड़की लोग का। आज के समय यह है कि नहीं, आज एक दिन कपड़ा पहन लिया कल वो कपड़ा नहीं पहन सकता, उसके बाद फिर कभी वो कपड़ा घुस जाएगा कहाँ, फिर वो निकल नहीं पाएगा, यही है इसका। अपना बता दो। मेरा हम कपड़ा हम लेते नहीं ज्यादा, जितना कपड़ा है उतना हम पहनते, जब तक वो पुराना ना हो या जब तक वो पहनने लायक ना हो तब तक हम पहनते हैं, और कपड़ा इंसान का स्टेटस नहीं दिखाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वेलकम हो चुका है हमारे ब्लॉग में, और अभी मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता में जो क्विक नाश्ता बन सके सबसे जल्दी मैं बना रही हूँ टमाटर और आलू की सब्जी। तो आज ब्रेकफास्ट बना रहे हैं टमाटर आलू की सब्जी और रोटी, जो कि जल्दी बन रहा है, मुझे ब्रेक है तो इतने देर में मैं शायद बना लूँगी, तो वही अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मैं रात में ही काट के रख ली थी, बस अभी मैं एकदम इनसे मुश्किल से आलू टमाटर के कहना बेस्ट था कि कुकर में आप बनाओ 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, उसी को बनाएंगे। और आटा भी नहीं बुने, आटा भी बुनेंगे, रात में नहीं रख सकते तो चलो, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर में कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है, बहुत ज़्यादा मीन्स रात में, तो हम लोग ऐसा तो दिन में भी फ़ैन चलता ही है बट रात में भी फ़ैन चलता है, बिकॉज विदाउट फैन आप सो नहीं सकते हो बैंगलोर में, इतनी गर्मी पड़ रही है अभी, लाइक फैब भी चल रहा है, फैब में इतनी गर्मी है,
तो चलो मैं अभी बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये क्या नहाने को, उनको पूजा करना है, नहीं रहा मैं बाद में नहाऊंगी क्योंकि मुझे काम है थोड़ा, ब्रेक कभी ख़त्म हो जाएगा ब्रेकफास्ट के बाद, तो मैं ब्रेक से नहाऊंगी। और अभी मैं टमाटर काट ली हूँ, आलू टमाटर में मैं इसमें टमाटर ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा रहता है, खट्टा लगता है ना थोड़ा, तो अच्छा लगता है। ये देखो ये मैं आपको दिख रहा हूँ, ये आलू काट के सुबह ही रखी थी। तो चलो बनाते हैं फटाफट। डालेंगे हींग, मैं हींग डालती हूँ थोड़ा हर सब्जी में, थोड़ा हींग, और ये हींग खड़ा हींग है तो इसका ज़्यादा स्वाद आता है, मतलब इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है, तो इसलिए ये डालती हूँ। ये भी मेरे पास ये वाला भी हींग है, ये आप देखोगे एवरेस्ट का, तो ये हींग ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये ज़्यादा काम करता है, ये MDH का, तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये एक्चुअली मेरी मम्मी यूज़ करती थी वहाँ ससुराल में, तो वही बताया कि ये अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो हींग डाल दी हूँ, ये डालूँगी रई, रई डालूँगी, थोड़ा सी सब्जी आलू, और बस आलू की बनाऊँ, आलू और टमाटर, खाएंगे ड्राई फ्रूट्स फिर। पहले आपको खाना है ये पूरा, फिर आप करोगे ब्रेकफास्ट। कैसा लगा सब्जी बताना, आई थिंक थोड़ा तीखा हो गया बट आप खा लोगे। ब्रेकफास्ट तो हो गया, और जब तक ये पूजा कर गया जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना ली थी, तो गाइस ऑफिस ख़त्म हो गई है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो अभी मैं बीच में टाइम तो मिला नहीं था बिल्कुल, और ये चले गए ऑफिस, तो ये आएंगे रात के 12 बजे, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे बस ऐसे ही वॉक करने के लिए, तो नीचे जा रहे हैं वॉक करने के लिए। और गाइस बीच में जब मैं ऑफिस कर रही थी तो एरिक भी आया था, तो मैं उसको बोली थी अभी चले जाओ अभी मैं ऑफिस कर रही हूँ, बट वो सैड हो गया था, तो चलो देखते हैं अगर वो दिखा तो आप लोग को भी मिलाएंगे उससे। तो चलो अभी निकलते हैं नीचे। हाय हाय बेल, या सो मी बेल, पार्क कौन सा पार्क, अकेले? हाँ। तो गाइस एरिक से मिल सकते हो, एरिक अपने कैट के साथ है, से हाय एरिक। हाय। तो जाओ उसको रख के रहो, फिर हम लोग एरिक का हाउस, एरिक हाउस, कम फास्ट। माय लेग इज पेनिंग नाउ, आई कांट। गाइस एरिक वॉक करते हुए, वॉक चिरायो, गाइस चिरायो यहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहा है और एरिक यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। नो मटी इज देयर, या आई नो हाउ माय म्यूजिक टीचर विल कम इन, म्यूजिक टीचर, यू नो म्यूजिक आल्सो, दिस इज नॉट अ म्यूजिक, सिंग अ सॉन्ग, गुड सॉन्ग सीखता है। तो एक दिन तुम मुझे पियानो बजा कर देगा ना? आई डोंट नो कीबोर्ड, तो कहाँ से सीखते हो फिर? क्लास, अच्छा क्लास में ही है। वॉक करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। ग्रैंड मदर, ये इनको हिंदी इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता, अरे सी डजंट नो हिंदी इंग्लिश ऑल्सो, मैं हिंदी आ रही हूं, हिंदी नहीं आता, अभी क्या करोगे तुम? कन्नड़ा, आई डोंट नो, आई नो ओनली इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस सारा काम हो गया, डिनर कर लिए, सारा कुछ हो चुका है, और अभी जस्ट मैं इनका वेट कर रही हूँ ऑफिस से आने का, काफ़ी लेट हो गया और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो पता नहीं शायद नाइट भी ऑफिस में ज़्यादा काम होगा, कभी कभी हो जाता है क्योंकि इनका लाइक आप हाँ नाइट शिफ्ट ही समझ सकते हैं क्योंकि ये 12 बजे तक ही घर आते हैं। तो अभी जस्ट मैं उनका वेट कर रही हूँ, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नींद नहीं आता, मैं बहुत ट्राई करती हूँ गाइस बट जब तक आते नहीं, नींद आता ही नहीं है क्योंकि फिर बेल बजता है तो नींद टूट जाता है, इसकी वजह से मैं सोचती हूँ जब वो आएंगे उसके बाद ही सो पाएंगे, तो अभी तक तो आए नहीं है, जस्ट वेट कर रहे हैं, वो आते हैं फिर आप लोग को मिलाते हैं, फिर सो जाएंगे कल सुबह ऑफिस है, तो चलो वो आते हैं। आ चुके हैं और अभी इनको रुको मैं डांट लगाती हूँ कि आज मुझे ये कॉल नहीं किया आने से पहले, नहीं तो डेली कॉल करते थे। डर गया ना, डर गया था ना, और इतना लेट आप मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इतना लेट हुआ तो ऑफिस में तो एटलीस्ट कॉल करके बताना था ना कि लेट होगा आज। मैं सोच रही हूँ और फोन भी आप नहीं उठा रहे हो, मैं सोच रही क्या हो रहा है इतना लेट कर रहे हो, क्या हुआ था? काम है, अभी और काम करना है,
सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं उठ चुकी हूँ। जैसा आप लोगों को पता है मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, तो अभी बस वही करने वाले हैं। और गई सुबह सुबह कभी कभी डिफिकल्ट, कभी कभी ऐसा इतना लेजी लगता है, उठने का मन नहीं करता है, बट फिर सोचते नहीं उठना तो पड़ेगा। बट फिर भी वर्क फ्रॉम होम तक तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। लेकिन जब भी मुझे ऑफिस जाना रहता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कैब जो है वो कैब आ जाती है 4:30 बजे, मेरी 6 बजे की शिफ्ट है, बट 4:30 बजे तक तो कैब पहुँच जाती है, तो मुझे उठना पड़ता है 3:30 बजे या 4 बजे भी अगर उठ रही है तो हाफ एन आवर पूरा जल्दी से रेडी होना पड़ता है, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम में तो थोड़ा रिलैक्स है गाइस। और तो चलो आज ऑफिस कर रहे हैं, ऑफिस करते हैं फिर देखते हैं पूरा दिन कैसा रहता है आज का। और ये मैं पी रही हूँ हॉट वाटर, बस यही था। और देखते हैं ब्लॉग तो हम कर रहे हैं शूट, तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऑफिस रहता है तो समझ ही नहीं आता है क्या ही ब्लॉग करो, बट फिर भी ट्राई करती हूँ। तो चलो गाइस अपना प्यार दिखाते रहना और चैनल मानसे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। हम लोग सोच रहे हैं कुछ अलग करने का यूट्यूब पे, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, सैटरडे संडे मिलता है तो हमारा जो भी पेंडिंग काम होता है वो करते हैं। चलो बाय।